नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दलित के लिए कुछ भी करेगा। देश के समय जो हालात हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हर पार्टी दलितों को रिझाने में जुटी हुई है, फिर चाहे बीजेपी हो या बसपा या फिर कांग्रेस। मायावती खुद को दलितों का मसीहा बताती है। हालांकि बीजेपी 2014 में इस मिथक को तोड़ चुका है और वो अब 2019 में भी दलितों को अपने पाले में लाकर जीत दर्ज करना चाहती है। सहारनपुर हिंसा के आरोपी चंद्रशेखर को समय से पहले रिहा कर बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला था, लेकिन बीजेपी पर यह दाव उल्टा पड़ गया। मायावती भी नहीं चाहती है कि उनके अलावा कोई और दलितों का मसीहा बने, इसीलिए वो अभी चंद्रशेखर से दूरी बनाकर चल रही है। फिलहाल 2019 से पहले हर पार्टी दलितों का रहनुमा बनने की कोशिश में है और वो दलितों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए यूपी में संभावित महागठबंधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन तभी होगा जब हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। देश में इन दिनों दलित राजनीति का दौर चल रहा है। खुद को दलितों का मसीहा बताने वाली मायावती महागठबंधन के सहारे अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने का ख्वाब देख रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में मायावती की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। इसके बाद विधानसभा चुनावों में भी मायावती की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए मायावती फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। बीजेपी से सवर्णों की नाराजगी को देखते हुए माया उन्हें अपने पाले में लाने को बेताब दिख रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी जनता का ध्यान बांटने के लिए नया नया तरीका अपना रही है। यहाँ तक कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक को नहीं बख्शा। उनकी मौत के बाद भाजपा इसे भी भुनाने का प्रयास कर रही है। जैसे देश में लोकसभा व इससे पहले कुछ राज्यों में विधानसभा के होने वाले आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे बीजेपी व इनकी केंद्र एवं राज्य सरकारें किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके एक तरफ अपनी कमियों व विफलताओं पर से पर्दा डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आए दिन थोक के भाव में किस्म किस्म की प्रलोभन भरी घोषणाएं आदि करके जनता को अपनी ओर लुभाने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और इस मामले में अब ये लोग पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभी हाल ही में हुई मृत्यु तक को भी भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने दलितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो दलित महापुरुषों का इस्तेमाल चुनावी फायदों के लिए कर रही है। खासकर दलितों, आदिवासियों व पिछड़ों के आरक्षण के संविधानिक हक को निष्प्रभावी बनाने व इनके सरकारी नौकरी में लाखों पदों के बैकलॉग को नहीं भरकर इन वर्गों के युवाओं के भविष्य के साथ भी काफी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मेरा ये भी कहना है केवल दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग आदि में जन्मे इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों का चुनावी स्वार्थ के लिए बार बार या आए दिन नाम लेते रहना व इनके लिए कुछ सांकेतिक व दिखावटी काम कर देने से इन वर्गों के लोग बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के बहकावे में कतई भी आने वाले नहीं। मायावती ने बीजेपी पर चुनावी वादे पूरा ना करने का भी आरोप लगाया। अब देश की आम जनता काफी हद तक ये समझ चुकी है कि इन्होंने खासकर पिछले सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में देश की आम जनता से किए गए अपने किसी भी खास चुनावी वादे को पूरा नहीं किया है। और इस मामले में अब तो बीजेपी के लोग विदेशों से देश का जमा काला धन वापस लाकर यहाँ प्रत्येक भारतीय गरीब
परिवार के हर सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए देने, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें कम करने, किसानों की आय दोगुना करने, आसमान छूती महंगाई को रोकने, गरीबी एवं बेरोजगारी आदि के कारण आए दिन हो रहे पलायन को रोकने आदि के अपने चुनावी हथकंडे वाले वायदों को भी ऐसे भुला बैठे हैं जैसे गधे के सर से सींग। यूपी में महागठबंधन करने पर मायावती ने जवाब दिया, हम किसी भी चुनाव में किसी भी प्रदेश में किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमें सम्मानजनक सीटें मिले, नहीं तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें बीएसपी सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियों की ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन चुनावों में किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में वापस आने से रोका जाए, और इसके लिए गठबंधन करके जो चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है, तो इस संबंध में भी हमारी पार्टी का शुरू से ही एक क्लियर कट स्टैंड रहा है। हमारी पार्टी कोई गठबंधन के खिलाफ नहीं है, समझौते के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस संबंध में भी हमारी पार्टी का शुरू से ही एक क्लियर कट स्टैंड रहा है कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी चुनाव में तभी कोई चुनावी समझौता व गठबंधन आदि करेगी जब हमारी पार्टी को समझौते व गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, जिस भी पार्टी से हम अलायंस करते हैं। वहीं अभी हाल ही में जेल से छूटे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने उन्हें बुआ जी कहा। इस पर मायावती ने जवाब दिया कि मेरा मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति के लोगों और आम जनता से है, बाकी किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। तथा कुछ लोग अपने आप को नौजवान दिखाने के लिए भी, यंग दिखाने के लिए भी जबरदस्ती का मेरे साथ कभी भाई बहन का तो कभी बुआ भतीजे का, और इसके साथ ही एक सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में कराया गया खूनी व जातीय दलित उत्पीड़न कांड, जिसमें शामिल व बीजेपी की रणनीति के तहत अभी अभी रिहा हुआ व्यक्ति भी समाज में अपनी इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए अब वह भी अपना जबरदस्ती का मेरे साथ बुआ व खून का रिश्ता बता रहा है। और आज मैं इस किस्म के सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा वास्तव में सही मायने में इस किस्म के लोगों से कभी भी पूरे तह दिल व पूरे सम्मान के साथ रिश्ता कायम नहीं हो सकता। 2019 में दलितों को साधने के लिए मायावती ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और अगर इन चुनावों में मायावती ने महागठबंधन का साथ दे दिया तो ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। २०१९ के चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की तैयारी में जुटी है। मायावती और बीजेपी में तो इसके लिए लगातार सियासी जंग चल रही है। दरअसल मायावती नहीं चाहती है कि 2019 में भी पार्टी का 2014 वाला ही हाल हो। वहीं बीजेपी भी दलितों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी के पास इस वक्त एक भी लोकसभा सीट नहीं है, फिर भी मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सीटों को लेकर बातचीत कर रही हैं। जब भी उनसे कोई गठबंधन की बात चलाता है तो एक रटा रटाया बयान सामने आता है कि बीएसपी सम्मानजनक सीटें मिलने पर ही ऐसा करेगी। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद लगातार बीजेपी से हार रहे विपक्षी दलों को संजीवनी तब मिली जब मायावती के सपोर्ट से गोरखपुर और फूलपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य से छीन ली। इसमें सबसे बड़ा योगदान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का माना गया। दोनों सीटें जीतने के कुछ ही घंटे बाद अखिलेश यादव मायावती के घर यूं ही नहीं गए। वो जानते थे कि बसपा का वोटर मन से उनके उम्मीदवारों के साथ खड़ा हुआ था। वोट शिफ्टिंग देखते हुए अखिलेश यादव ने मायावती की तरफ हाथ बढ़ाया और दोनों ने साथ चुनाव लड़ने की बात पक्की कर ली, क्योंकि 2014 के चुनाव में बसपा का वोटर भी बीजेपी के खाते में चला गया था। केवल यूपी ही नहीं बल्कि देश भर के राज्यों में मायावती का जो वोट प्रतिशत था वो उसके खाते में खिसक गया था। बसपा को 2014 में 19.77% वोट मिला था।
जबकि यूपी में 21 फीसदी दलित वोट है। इसके अलावा देश भर में पार्टी का क्या प्रदर्शन था वो भी देख लीजिए। 2014 में बसपा का देश भर में प्रदर्शन, मध्य प्रदेश 3.85 फीसदी वोट, पंजाब 1.91 फीसदी वोट, उत्तराखंड 4.78 प्रतिशत वोट, राजस्थान 2.37 फीसदी वोट, बिहार 2.17 फीसदी वोट, दिल्ली 1.23 फीसदी वोट, आंध्र प्रदेश 0.83 फीसदी वोट। 2014 में दलितों के सहारे सत्ता पर काबिज होने वाले मोदी अब 2019 में भी मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। 2019 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात दलित मतों के सहारे बिछाई जाने लगी है। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले दलित मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर उसके पुराने मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई। मोदी सरकार का ये फैसला दलित विरोधी छवि को तोड़ने और उनकी नाराजगी को दूर करने वाला कदम माना जा रहा है। इस कदम से दलित समुदाय का दिल मोदी के लिए कितना पसीजेगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि मोदी सरकार दलित वोट के सहारे दिल्ली की सत्ता पर फिर काबिज होने की तैयारी में है। मोदी सरकार का फोकस अब केवल दलित वोट पर ही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस राज्य में दलितों की कितनी संख्या है। दलित आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य पंजाब है। पंजाब की 31.9 फीसदी आबादी दलित है। उत्तर प्रदेश में करीब 20.7 फीसदी दलित आबादी है। राज्य की 17 लोकसभा और 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। बीजेपी ने 17 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी में दलितों की अहम भूमिका रही थी। बीजेपी पसोपेश में है कि कहीं दलितों की नाराजगी 2019 में उसके लिए महंगी न पड़ जाए। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां इस कोशिश में लगी हुई हैं कि दलितों का दिल जीतकर एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सके। ये कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई भी है। जिन राज्यों में कभी कांग्रेस बहुत मजबूत थी उनमें अब वो संघर्ष कर रही है। ऐसे में उसे बसपा का साथ चाहिए। उसने गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में उदाहरण देखा है कि अगर वोटों का बिखराव रोकना है तो गठबंधन करना पड़ेगा। सत्ता पाने की छटपटाहट दोनों में है क्योंकि ज्यादा दिन सत्ता से दूरी इन पार्टियों की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए एक साथ आना दोनों की जरूरत भी है और मजबूरी भी, क्योंकि दलित वोट बसपा के साथ है जिसे कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। इन पार्टियों के बीच गठबंधन होगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। काफी समय तक जेल में रहने के बाद कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर को सरकार ने रिहा कर दिया। इसके पीछे भी मोदी सरकार की रणनीति ही काम कर रही थी। समय से पहले रिहाई का फैसला सरकार ने यूं ही नहीं लिया, इसके सियासी मायने भी हैं। चौदह से पहले तक देश में केवल मायावती ही दलितों की रहनुमा मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद ये समीकरण बदले और अब कई ऐसे लोग सामने आ चुके हैं जो बीजेपी से अलग मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर चुके हैं। यूपी में भीम आर्मी के जन्म के साथ ही एक नाम सामने तब आया जब 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुई जातीय हिंसा के मुख्य आरोपी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का नाम सामने आया। काफी समय तक जेल में रहने के बाद कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर को सरकार ने रिहा कर दिया। इसके पीछे भी मोदी सरकार की रणनीति ही काम कर रही थी। समय से पहले रिहाई का फैसला सरकार ने यूं ही नहीं लिया, इसके सियासी मायने भी हैं। दरअसल SC/ST एक्ट में संशोधन के बाद सवर्णों के निशाने पर आई बीजेपी ये नहीं चाहती कि पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ बने, क्योंकि ये गठजोड़ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। रावण की रिहाई ऐसे समय पर हुई है जब 2 महीने के बाद 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि इसे राजनीतिक रिहाई के तौर पर देखा जा रहा है।
रावण की रिहाई के फैसले को एक तरफ जहां बीजेपी का दांव माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे दलितों के बढ़ते दबाव में लिया गया मजबूरी का फैसला भी माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि रावण की रिहाई से किसे राजनीतिक फायदा मिलेगा। हालांकि चंद्रशेखर जेल से छूटते ही खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गया था और साफ कर दिया था कि वो गठबंधन को सपोर्ट करेगा, कि वो जल्द ही कोई घटना करवा के मेरे ऊपर उसका आरोप मन देंगे और मुझे दोबारा से राष्ट्रपति में डालने काम करेंगे। मेरे लोगों को चाहिए, मेरे समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो तैयार रहे, ये चीजें होती रहें, क्योंकि मैं ईमानदार से आवाज उठाऊंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, तो मेरे खिलाफ ये चीजें चलती रहेंगी। मुझे भरोसा 10 दिन में हो जाएगा कुछ ना कुछ, उसका आरोप मेरे ऊपर लगा के मुझे दोबारा से राष्ट्रपति में करेंगे, क्योंकि मुझसे चुनाव बचाना चाहते हैं। उन्हें पता चंद्रशेखर बाहर रहेगा तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती 2019। हालांकि रावण की रिहाई की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में 3 दलित और 3 राजपूत गिरफ्तार हुए थे। इन सभी पर रासुका लगा था, लेकिन पिछले दिनों राजपूत समुदाय के लोग हाईकोर्ट के जरिए बाहर आए। ऐसे में चंद्रशेखर रावण और उसके साथ बंद 2 दलितों की रिहाई का बीजेपी सरकार पर दबाव माना जा रहा है। दो महीने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं। इन तीनों बीजेपी शासित राज्यों में दलित समुदाय की अच्छी खासी भागीदारी है। जेल से बाहर आते ही चंद्रशेखर ने मायावती को अपनी बुआ बताकर अपनी मंशा जता दी थी। हालांकि मायावती ने आज उनसे किसी भी तरह के मेल मिलाप से इनकार कर दिया। वहीं बीजेपी दलित विरोधी आरोपों से लगातार जूझ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। ऐसे में चंद्रशेखर को रासुका के तहत जेल में रखने से दलितों के बीच आक्रोश बढ़ रहा था। बीजेपी के चंद्रशेखर को रिहा करने को एक बड़ा दांव माना जा रहा है। बीजेपी चंद्रशेखर का इस्तेमाल मायावती के खिलाफ कर सकती है, लेकिन जेल से बाहर आते ही उल्टा हो गया। बता दें कि सहारनपुर में दलितों की अच्छी खासी तादाद के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक समय में उसे बसपा का गढ़ माना जाता रहा है। कांशीराम और मायावती दोनों ही सहारनपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा इस सीट को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है, इसीलिए महागठबंधन भी होता है तो बसपा इस सीट को अपने पास रखने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दलितों पर अत्याचार के मामले भी काफी सामने आए हैं, जिसे लेकर बीजेपी के अंदर खाने में दलित नेता पार्टी से नाराज दिखे। बीजेपी के दलित सांसद भी इस मुद्दे पर सरकार से नाराजगी जता रहे हैं, जिनमें उदित राज, सावित्रीबाई फूले, अशोक कुमार दोहरे, छोटे लाल और यशवंत सिंह शामिल हैं। बीजेपी के इन 5 सांसदों ने दलितों को लेकर अपनी ही सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसकी ठोस वजह भी है, उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। ये बात इस साल 6 फरवरी को गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में कही थी। उन्होंने कहा था, यूपी में साल 2015 में दलितों से अपराध के 8,357 मामले दर्ज हुए, साल 2016 में 10,426 मामले दर्ज हुए थे, यानी एक साल में 24.75% की बढ़ोतरी। ये बढ़े हुए आंकड़े बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं और शायद यही वजह है जो बीजेपी दलितों को खुश कर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2015 और 16 के बीच 3 अहम राज्यों में दलितों के खिलाफ अपराध में गिरावट दर्ज हुई है, जिसमें बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है। अगर इन राज्यों के आंकड़ों की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। बिहार, साल 2015 में 6,367 मामले, वहीं साल 2016 में 57,001 मामले। राजस्थान, साल 2015 में 5,911 मामले, वहीं साल 2016 में 5,134 मामले। महाराष्ट्र, साल 2015 में 1,804 मामले, साल 2016 में 1,750 मामले। 2016 में दलित समुदाय के खिलाफ अपराध के 40,801 मामले दर्ज किए गए। दलितों का आक्रोश सड़कों पर साफ दिख रहा है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलितों की हमदर्द बनने का दावा कर रही हैं, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि अपने समाज के सबसे पिछड़े समुदाय को लेकर हमारे लोकतंत्र की चुनौतियां अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। दलितों को अपने पाले में लाने का कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। एससी एसटी एक्ट का मामला हो चाहे फिर चंद्रशेखर की जेल से रिहाई हो, सरकार के इस कदम का मकसद चुनावी राजनीति में अहम दलितों को साधना माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी दलित वोटों की खातिर अपने मूल वोट बैंक को दांव पर क्यों लगा रही है। देश में आज दलित सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। हर पार्टी आजकल बस इनको अपने पाले में लाने में लगी है। बीजेपी सरकार भी इन दिनों दलित पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दलित समुदाय से जुड़े अहम फैसले लिए हैं। सरकार के इस कदम का मकसद चुनावी राजनीति में अहम इन दो समुदायों को साधना माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी दलित वोटों की खातिर अपने मूल वोट बैंक को दांव पर क्यों लगा रही है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के इस फैसले से बीजेपी के सवर्ण वोटर नाराज हो गए हैं। अपनी नाराजगी जताने के लिए सवर्णों ने एक दिन का भारत बंद भी बुलाया था। शायद बीजेपी जानती है कि उसका परंपरागत वोट किसी और की झोली में जाएगा नहीं, लेकिन दलित वोट सपा और बसपा के खाते में जा सकता है। और इसी वोट को बचाने के लिए और दलितों की नाराजगी देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने एससी एसटी एक्ट को मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए संशोधित विधेयक पेश कर दिया है। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिए जाने के पक्ष में खड़ी नजर आई। देश की कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित है, जबकि ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन के मुताबिक 52% है। देश में कुल 543 लोकसभा सीट हैं। इनमें से 84 सीटें दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी में इन दोनों समुदाय की काफी अहम भूमिका रही है। दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षित इन 84 सीटों में से बीजेपी ने 41 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी इस जीत को 2019 में दोहराना चाहती है। वो नहीं चाहती कि दलित वोट सपा बसपा के खाते में जाएं। दलित वोट बैंक इसके साथ होगा, इसकी सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी के दलित नेताओं में है। बेचैनी उन लोगों में भी है जो अपने आप को अब तक दलितों का सबसे बड़ा मसीहा मानते आए हैं। चिंता आरएसएस को भी है और बीजेपी को भी। कांग्रेस से सपना देखने लगी है कि सालों पहले उसका कोर वोटर रहा दलित उसकी ओर लौट आए। मायावती तो अपने आप को दलित वोटों का हकदार मानकर चल रही है, मतलब हर दल दलितों के मुद्दों को उठाकर फायदा लेने की फिराक में है। इसी वोट बैंक के भरोसे मायावती 4 बार यूपी की सीएम बन चुकी हैं। रामविलास पासवान, उदित राज, रामदास अठावले जैसे दलित नेता उभरे हैं। चंद्रशेखर और जिग्नेश मेवाणी जैसे नए दलित भी इसी संख्या की बदौलत पैदा हुए हैं। पिछले कुछ सालों में दलितों के खिलाफ जो हिंसा हुई उसे खुद बीजेपी के दलित नेता पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं, फिर चाहे वो सावित्रीबाई फुले हों या फिर उदित राज। इसी साल अप्रैल में फुले ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आरक्षण खत्म करने की तैयारी चल रही है और आरक्षण खत्म हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। सावित्रीबाई फुले अकेले नहीं थीं जो आरक्षण खत्म करने की बात को लेकर अपनी ही सरकार से नाराज हुई थीं, बल्कि उदित राज, रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब सिर्फ दलित वोट को साधने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट दलित के लिए कुछ भी करेगा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and the notification.